हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जलदाय विभाग नहीं सुधार रहा है पेयजल व्यवस्था। सप्लाई के दौरान घरों में आ रहा है अत्यंत ही खारा एवं मटमैला पानी। सोजत सिटी नगर में जलदाय विभाग पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुधारने में कोई खास रुचि नहीं दिखा रहा है। उल्लेखनीय है कि शहर में इन दिनों जो पेयजल आपूर्ति हो रही है उसमें भी अत्यंत खारा एवं मटमैला तथा जल जनित बीमारियों को बढ़ावा देने वाला पानी दिया जा रहा है। इसको लेकर नागरिकों द्वारा जिला कलेक्टर को ध्यान भी आकृष्ट करवाकर पूर्व में भी पेयजल आपूर्ति में सुधारने की गुहार भी की गई थी, परंतु इसका भी असर जलदाय विभाग के अधिकारियों पर नहीं पड़ा है। सात सात दिन होने के बावजूद पेयजल आपूर्ति नहीं होने से कोरोना काल में सर्वाधिक परेशानी का सामना नगरवासी कर रहे हैं। खासकर अपने वतन से हजारों मील दूर बैठे प्रवासी श्रमिकों पर तो दोहरी मार पड़ रही है। पानी आता भी है तो तुड़ तुड़ वही मटमैला। इसको लेकर नागरिक संगठनों, सोजत सेवा मंडल, पेंशनर समाज, भारत विकास परिषद, अभिनव कला मंच, रोशनी फाउंडेशन, मेहंदी दलाल एसोसिएशन, पेंशनर समाज ने पेयजल संकट एवं निजी टैंकरों के जरिए पेयजल आपूर्ति के नाम पर भारी लूट मचाने को लेकर रोष व्यक्त किया है। नागरिक जलदाय विभाग पर भड़ास निकाल रहे हैं। खासकर सोशल मीडिया पर उन्हें आड़े हाथों लेकर खूब खरी खोटी सुनाई जा रही है। एक तरफ तो देश आजादी के 75 साल पूरे होने को लेकर अमृत महोत्सव मना रहा है, दूसरी ओर सोजत अपनी बर्बादी को लेकर पानी की कृत्रिम किल्लत के चलते जार जार आंसू बहा रहा है। खास बात यह है कि आम जनता का मानना है कि संकट के इस घड़ी में प्रशासन के हस्तक्षेप करके टैंकर के जरिए आपूर्ति करनी चाहिए। इस बार मानसून की कमजोर आवक से पानी की कमी की जानकारी तो सबको है, लेकिन सोजत वासियों को सात सात दिन के अंतराल से वह भी अपर्याप्त मात्रा में पानी आपूर्ति कर कृत्रिम पेयजल संकट का उत्पन्न क्यों किया गया, इसका दोषी कौन है एवं सफाई के लिए एक महीने बाद भी सिटी टैंक रामेलाव तालाब से गंदा पानी खाली नहीं हो पाया। वहीं कई लोग टैंकर के द्वारा पेयजल आपूर्ति कर खुली लूट मचा रहे हैं। उनको पाबंद कर छोटे टैंकर के लिए 150 रुपए व बड़े टैंकर के लिए 250 रुपए की राशि निर्धारित करें। इतना तो जिला प्रशासन एवं उपखंड प्रशासन कर ही सकता है। टैंकर चालकों द्वारा पेयजल परिवहन करके खुली लूट मचाई जा रही है, जिससे नागरिकों में भारी रोष है। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर आनंद भाटी, गोर्धन लाल गहलोत, श्याम लाल व्यास, शंकर लाल ताराचंद सैनी, राम अवतार भाटी, राम स्वरूप भटनागर, वीरेंद्र लखावत, कैलाश दान चरण, गौतम तनवर, महावीर सोहन लाल टांग, वीर बहादुर सिंघाड़िया, अशोक बारहट, रामेश्वर लाल, अशोक सेन, चंपा लाल, राम लाल सांकला आदि ने अविलंब पेयजल व्यवस्था सुधारने, मटमैला पानी बंद करने एवं निजी टैंकरों द्वारा आपूर्ति के लिए न्यूनतम दर निर्धारित करने की जिला एवं उपखंड प्रशासन से मांग की है। वहीं नागरिकों का मानना है कि देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। वहीं पीछे 75 साल में सोजत वासियों ने पेयजल किल्लत का वर्तमान की तरह सामना नहीं किया। जागरूक टीवी के सोजत से नत्थाराम बोराना की रिपोर्ट।